वेलकम टू शिवली सिंपल स्टेप्स। आज हम लोग सीखेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में कैसे निबंध लिख सकते हैं। आप इसे सुनकर या देखकर भी लिख सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, किसी को हरा देना आसान है लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल, ऐसे कहने वाले कलाम जी ने सच में करोड़ों लोगों को जीता और उनके मन में राज किया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माँ का नाम आशी अम्मा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की। फिर उन्होंने 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएट। उन्होंने 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर वे DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक बने और भारतीय सेना के लिए हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। उन्होंने इसरो में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पहले स्वदेशी उपग्रह कक्षपात्र SLV-3 में भी काम किया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल में अपना योगदान दिया और इसलिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहने लगे। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी वो इतने सरल थे कि एक बार जब उनसे मिलने उनके परिवार के सदस्य राष्ट्रपति भवन आए तब उन सभी का खर्चा उन्होंने अपने खाते से ही किया कि वे अपने निजी काम के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं करते थे। उन्हें उनके इसरो और DRDO में योगदान के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत रत्न सभी सम्मानित किया गया था। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त के बाद भी वे प्रोफेसर के रूप में सेवाएं देते रहे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय में उनकी मृत्यु हो गई, जहां वे एक कार्यक्रम में गए थे, पर वे सदैव जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो बाय बाय।